ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद ये जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का ये कॉम्बिनेशन। हमें जब कोई ड्राइंग बनाते हैं या हम कोई कॉर्ड वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि लाइन को एक स्ट्रेट लाइन बना के उसके बाद सपोर्टिंग लाइंस बनाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? सपोर्टिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं इसको। और सपोर्टिंग लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी की मदद से आप जो है अपनी ड्राइंग को तकनीक करते हैं आगे तक। अब आप इसमें ये देखिएगा, ये जो मैंने लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन और सपोर्टिंग लाइन बनाई है, इनसे मैं एक ड्राइंग कन्वर्ट करूंगा। और जब मैं शुरू करूंगा तो आप इसको बहुत गौर से देखिए, ठीक है? हमारी जो स्ट्रेट लाइन है इससे हम ये नापते हैं कि अगर एक इंच हम यहां से ले लें और एक इंच यहां से निशान लगा लें तो ये दोनों बराबर है, ठीक है? दोनों हिस्से इधर का भी और उधर का भी एक एक इंच के बराबर है, ठीक? उसको हमने एक कर्व लाइन बनाई और उसके ऑपोजिट उतनी ही बड़ी कर्व लाइन यहां पर बनाई।